नमस्कार। उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। 26 साल में 35 लाख वेतन पाने वाला सहायक शिक्षक अब बन गया करोड़पति। आलिशान बंगला जमीन लग्जरी वाहन मिले, ईडब्ल्यू ने की कार्रवाई। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने शासकीय महाराजवाड़ा स्कूल के लिपिक धर्मेंद्र चौहान के अवंतीपुरा स्थित घर पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर छापामार कार्यवाही की। टीम को लिपिक के घर करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन के कागजात, दो मकान, एक गोदाम के कागजात, दो चौपहिया वाहन, दो ट्रैक्टर तथा नकदी व जेवरात मिले हैं। लिपिक के एक बैंक लॉकर के संबंध में भी जानकारी मिली है। ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि धर्मेंद्र चौहान वर्ष 1994 में अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से नौकरी पर लगा था। नियुक्ति के दौरान उसकी तनख्वाह 750 रुपए प्रति माह थी। वर्तमान में 35,000 रुपए प्रति माह वेतन है। उसके पास पैतृक जमीन के अलावा नौकरी में आने के बाद खरीदी गई जमीन व संपत्ति के बारे में जानकारी मिली है। फिलहाल जांच की जा रही है। एसपी सोनी के अनुसार धर्मेंद्र चौहान वर्ष 2005 तक जिला पंचायत अध्यक्ष का पीए रह चुका है। अभी तक की जांच में पता चला है कि इस दौरान उसने कई संपत्तियां अर्जित की हैं। फिलहाल कार्यवाही जारी है। ये एक धर्मेंद्र सिंह चौहान नाम के एक जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पीए हैं, जो कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में एक बाबू है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक मामला सामने आया था, जिस पर कि ईओडब्ल्यू द्वारा जो है वो विधिवत इसमें थी। उनके अलग अलग स्थानों पर जो कार्रवाई चल रही है, तलाशी की कार्रवाई में बहुत सारे आय से अधिक संपत्ति को इंगित करते हुए बहुत सारे दस्तावेज और कुछ वैल्यूएबल्स मिले हैं, और इनके संबंध में अभी हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नागदा के राघु चौधरी हत्याकांड में परिजनों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस पर लगाया आरोपियों को न गिरफ्तार करने का आरोप। नागदा में 29 दिसंबर 2021 को हिंदूवादी नेता राघु चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में नामजद आरोपियों को नागदा पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। मृतक के स्वजन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, ना ही उन पर अब तक कोई इनाम घोषित किया। नागदा के पाल्याकला निवासी राजू चौधरी ने बताया कि उनके भाई राघु चौधरी की नागदा में 29 दिसंबर को हत्या कर दी गई थी। चौधरी का आरोप है कि कमल आर्य, यशवंत आर्य, विजय व अविरल को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि चारों के नाम हत्याकांड के एफआईआर में शामिल हैं। मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत की जा चुकी है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौधरी की मांग है कि पुलिस कार्यवाही करे। ये जो लड़ाई थी 2017 से चालू हुई थी, जो एक गुजराती को मारा था, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसको बांध के इन्होंने मारा था, जिसमें राघु चौधरी ने फिर बोला था। तो इसमें 2017 को भी इन्होंने राघु पे हमला करने, घर पे हमला करा था। फिर 2019 में फिर राघु को मारा था, जो सिर में चोट आई थी, और ये बोल के गए था राघु तेरा जमीन पे नामो निशान मिटा देंगे। और आज इतनी बड़ी इन्होंने घटना कर दी, फिर भी पुलिस जो डी आई साहब जो उनको बोलते हैं हम कि ये नाम दर्ज आरोपी और आवेदन दे रखा है राघु ने, अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं हमको साक्ष्य नहीं मिल रहे, यही सब खुद वो अदालत बन रहे हैं वहाँ से, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि इनका नाम ही नहीं आ रहा है, इनका कड़ी नहीं मिल रही। जब इतना बड़ा 2017 से मामला चल रहा, फिर क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन, हमारी सुन ही नहीं रहा था। कृषक की शिकायत पर महितपुर कृषि उपज मंडी के व्यापारी के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे में चिप लगी पाई गई, नाप तोल विभाग ने की कार्रवाई। कृषि उपज मंडी समिति महितपुर में किसानों को टोल में लूटने का व्यापारियों ने अब नया तरीका खोज निकाला है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे में रिमोट से चलने वाली चिप लगाकर किसानों को चूना लगाया जा रहा है। उमरखेड़ी के कृषक चितर सिंह ने गेहूं की मात्रा कम तोलने की शिकायत मां पार्वती ट्रेडर्स के श्रीपाल भाटिया के खिलाफ नापतोल विभाग में की। नापतोल विभाग के निरीक्षक दीप शिखा ने उक्त तोल कांटे की जांच की तो पाया कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है, जिस पर पंचनामा बनाकर तोल कांटा जब्त किया गया और व्यापारी श्रीपाल भाटिया पर पुलिस केस दर्ज करवाने तथा मंडी लाइसेंस निरस्त करने की बात कही गई। कांटे का चेक किया, उसमें देखा कि उसमें एक जो नॉर्मल चिप, नॉर्मल जो सिस्टम रहता है, उसके साथ इन्होंने एक एडिशनल फिटिंग कर रखी है, एक चिप लगा रखी है, जिससे वजन को कम ज्यादा किया जा सके। वो उसमें एक स्विच होता है, तो ये स्विच से वजन को कम कर देते हैं, या इनको ज्यादा करना तो कर लेते हैं। इनके पास एक रिमोट भी रहता है ताकि ये दूर से कर सके। तो हमने उस पे वजन तोल कर देखा, अंदर मशीन को खोल के देखा तो उसमें चिप मिली है, और एक कुंटल पे लगभग 5 से 6 किलो का वजन अधिक तोल कर ले रहे हैं। एक कुंटल तोलने पे मतलब 100 किलो पे ही 95 किलो ही वजन प्रदर्शित कर रहा है। इसमें कांटा मेरे द्वारा जब्त कर लिया गया है, और ये कोई श्रीपाल सिंह भाटिया करके है,
जिनके पास से मैंने ये कांटा जब्त किया है। अब इसमें आगे कार्रवाई तो ये है कि ये सीधा कांटा कोर्ट में ही जाएगी, कोर्ट की कार्रवाई होगी। महाकाल दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालुओं की तरफ दौड़ा अनियंत्रित डंपर, जान बचाकर भागे श्रद्धालु, बैरिकेड से तोड़े डंपर ने। वर्तमान में महाकाल के चारों ओर निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में भारी वाहन भी सुबह से लेकर रात तक निर्माण सामग्री लेकर मंदिर के चारों ओर दौड़ते रहते हैं। इस दौरान एक अनियंत्रित डंपर तेज गति से दौड़ता हुआ महाकाल दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालुओं की ओर आया। यह देखकर श्रद्धालु एकाएक जान बचाकर भागे, वहीं अनियंत्रित डंपर बैरिकेड में जा घुसा। यह घटना गेट नंबर 13 के निकट घटित हुई। इस बाबत जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी श्रद्धालु ने बताया, आज सुबह हम लोग यहाँ पर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे गेट कब खुले अंदर जाएं। किरान ने टोली को उठाया हुआ था, हम उधर से डंपर आया, सबको मारते वो आगे चला गया, हम लोग जान बचाकर भागे। अच्छा, यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है मंदिर प्रशासन की, यहाँ पर कोई तरह की व्यवस्था नहीं, कोई किसी कुछ बताने वाला नहीं है, ना ऑनलाइन व्यवस्था है ना और कुछ व्यवस्था है। कल हमें सुबह से शाम तक खाली ये पता करने में लगे कौन सी का टुकन कहाँ मिलेगा। दो व्यक्तियों की हुई अकाल मृत्यु, एक दुर्घटना में घायल व्यक्ति ने दम तोड़ा तो दूसरे ने की आत्महत्या, जिला चिकित्सालय में हुए पोस्टमार्टम। आगर जिले के ग्राम शिवगढ़ निवासी 26 वर्षीय मेहरबान सिंह का ग्राम कानड़ के समीप ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, जिनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा था। उपचार के दौरान मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम करवाया गया। इस बाबत माधवनगर के उपनिरीक्षक यशवंत कछवा ने बताया, मृतक मेहरबान पिता लक्ष्मण सिंह मेघवाल, उम्र 26 साल का, निवासी शिवगढ़, जिला आगर का रहने वाला है, जो कि कानड़ के पास इसका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। इसे जेके हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जो कि कल इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और इसको आज पीएम के लिए यहाँ पर सीएच उज्जैन में लेके आए हैं। इधर तिरुपति धाम निवासी जसवंत सिंह ने अज्ञात कारण के चलते आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजन संजय चौहान ने बताया, तिरुपति धाम में रह रहे थे अभी, तो टेंशन वगैरह थी, अपराध वगैरह, तो उसमें सर ने कर लिया साहब के। क्या नाम था इनका? क्या जसवंत सिंह चौहान। क्या काम क्या करते थे? सचिव थे सर, बच्ची नहीं था। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।